तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बिहार बोर्ड चैप्टर 5 रोज़ के बारे में, ठीक है। रोज़ जो रोज़ है उसके बारे में, और ये बिहार बोर्ड अपनी हिंदी 12th का है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करने वाले 80+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो को हम लोग विथिन 20 मिनट्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया है, और आपको इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मिल जाएगी आपके चैप्टर में, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। तो आप जस्ट इसको नोट डाउन कीजिए और इसको देखते जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह और अक्षय, मोहन राकेश और उदय उदय प्रकाश, ठीक है। अगर आप इसमें से, आपको जैसे मैं क्वेश्चन रीड किया, आपको ऑप्शन लगा बी, तो आप इसे बी मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है अक्षय, ठीक है। अक्षय जी का जन्म कब हुआ था? जो अक्षय उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 17 मार्च 1911 को, 7 मार्च 1921, 7 मार्च 1929 को हुआ था। उनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, ठीक है। आपके लिए क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अक्षय के पिताजी क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, या प्रख्यात सॉरी ये क्या है पुरातत्वविद थे और लेखक थे। ऑप्शन से प्रख्यात वो पुरातत्वविद थे, ठीक है। अक्षय जी की पढ़ाई क्यों रुक गई? क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार के कारण, क्रांतिकारी आंदोलन के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, और गरीबी के कारण। देखो, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के कारण उनकी जो मतलब पढ़ाई है वो रुक गई थी, ठीक है। सुगन कहाँ है? सुगन कहाँ है? यूरोप में, यूगोस्लेविया में, अमेरिका में, और एशिया में। देखो, यूगोस्लेविया में है ना ये, क्या स्त्रुगो है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अक्षय जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की थी? उन्होंने 10 देखो उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही जो कविता लिखने का स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंद्रसभा क्या है? इंद्रसभा एक नाटक है जो कि उनके द्वारा रचित गया है, ठीक है ना, उनके द्वारा ये रचित है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब अक्षय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? इनकी जो पहली कहानी है वो 1924 में प्रकाशित हुई थी, आपको ये याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा आगे। गोरे के लेखक कौन है? देखो, गोरे के लेखक कौन है? ये गोरे के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, ठीक है। ऑप्शन है, गोरे का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसको अक्षय जी ने किया था। इसको हिंदी अनुवाद किसने किया था? अक्षय जी ने किया था, ठीक है। अब देखो, रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है? ये माध्यमिक वर्ग जो होता है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली हम बोलते हैं, उस वर्ग को ये क्या कहते हैं, डिनोट करता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसमें बोला मालती कौन थी? जो मालती थी वो कौन थी? लेखक की बहन, लेखक की पत्नी, लेखक की बेटी, लेखक की सखी, जो लेखक की बहन थी। मालती लेखक की क्या थी? बहन थी। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लेखक मालती से मिलने कितने समय बाद आए थे? उन्होंने 4 वर्ष बाद वो उसे मिलने आए थे। लेखक को मालती के घर में क्या दिखाई दे रही थी? एक छाया दिखाई दे रही थी, ठीक है, शैडो, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, मालती के विवाह के कितने वर्ष हो चुके थे? मालती के विवाह के ये 2 वर्ष हो चुके थे, कितने? 2 वर्ष हो चुके थे। मालती के पिता का क्या नाम था? महेश, मोहन, टिट्टू, महेश्वर, उनके पिता का जो नाम था वो महेश्वर था, ठीक है, क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे देखते हैं, महेश्वर पेशे से क्या था? डॉक्टर, किसान, लेखक, सरकारी अधिकारी, वो पेशे से एक डॉक्टर था। मालती के बच्चे का क्या नाम था? इर्दू, टिट्टू, टिट्टी और मिट्टी, उनका जो बेटे का नाम था वो टिट्टी था, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे देखेंगे, रोज शीर्षक की शीर्षक का बदला हुआ रूप है, ये एक गैंग्रीन का है, मालती का है, गौरा का है, या अत्र का, ये गैंग्रीन का है, ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। 20 क्या बोल रहा है, अक्षय द्वारा लिखित रोज कहानी की प्रस्तुत की गई है 1934 में, 1942, 1942 1964 में की गई है, ठीक बा, 1964 में ही कॉल गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बा, रोज कहानी में किस बीमारी को बताया गया? इसमें कौन सी बीमारी को बताया गया? गैंग्रीन बीमारी के बारे में बताया गया है। महेश्वर प्रातः काल कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं? वो 7 बजे, मतलब क्या है, वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं। महेश्वर दोपहर को घर कब आता है? महेश्वर दोपहर घर कब आता है? 1:30 बजे, 1:30 बजे, मतलब 1 या 2 बजे के बीच में। मालती खाना कब खाती है? मालती जो है वो खाना कब खाती है?
भूख लगने पर, पति के आने के बाद, काम खत्म होने पर, समय पर वो पति के आने के बाद क्या करिए, वो खाना खाती थी। मालती कब तक भूखी रहती थी, मालती कब तक भूखी रहती थी, 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे और 2 बजे तक, वो 3 बजे तक भूखी रहती थी। मालती के घर पानी कब आता था, शाम 5 बजे, शाम 4 बजे, 7 बजे और 6 बजे, उसके घर पे जो पानी आता था वो शाम के 7 बजे आता था। अब देखो मालती का जीवन कैसा था, आनंदमय, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, मानसिक तुल्य, उनके जो जो मतलब लाइफ था ना उसका मशीन तुल्य था। मशीन तुल्य मतलब कि एक बोलते ना मशीन हमेशा काम करते रहने से कुछ था। मोटर का स्पीडोमीटर यंत्र क्या नापता है, समय, पेट्रोल, डीजल और फासला, वो फासला नापता है, डिस्टेंस। फासला का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दैट इज हाउ डिस्टेंस वी कैन कॉल इट। ओके, गैंग्रीन कैसे हो गया था, कांटा चुभने से, सुई चुभने से, घाव होने से, चोट लगने से, वो कांटा चुभने से। महेश्वर के साथ कौन आया, मालती, मालती के भाई कूली डॉक्टर, उसके साथ कूली आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आम कहाँ रखा था, आंगन में, छत पे, टेबल पे, अंगीठी पे, अंगीठी पर, ठीक है, तो अंगीठी पे रखा गया था, अंगीठी पे। मालती अखबार कब पढ़ रही थी, संध्या के श्रेणी प्रकाश में, दिन के समय, रात के सोते वक्त और खाना बनाने के बाद, वो संध्या के जो समय होता ना, संध्या के श्रेणी प्रकाश में, उसी में पढ़ रही थी। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, नल के पास खड़े होकर मालती क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी, पानी भर रही थी, अखबार पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी, वो अखबार क्या कर रही थी, वो अखबार की रीडिंग कर रही थी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है। मालती ने किताब का क्या किया, फाड़ दिया, याद किया, फेंक दिया, टेबल पर छोड़ दिया, वो उसको फाड़ देती है। बचपन में मालती का स्वभाव कैसा था, शांत, उर्दम और चंचल, उद्धत और चंचल था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब 33 क्या बोल रहा है। मालती ने टिट्टी को कहाँ सुलाया था, मालती ने टिट्टी को पलंग की ओर से नीचे, मोम जमा बिछाकर झूले में, अपने गोद में, उसको पलंग पे सुलाया था उसने। चलिए क्लियर है, अब क्या बढ़ रहा है। मालती ने अपने घर लेखक कैसे आए थे, मालती के घर लेखक कैसे आए थे, बैलगाड़ी से, पैदल, घोड़ा गाड़ी से और रेलगाड़ी से, वो पैदल आए थे। लेखक ने मालती के घर जाने से पहले कितनी मील की दूरी तय की थी, 8, 12, 18, 11, वो 18 मील की दूरी तय करके आए थे उनके घर पे। चलिए अब यहाँ क्या बोला, रोज कहानी में किस वृक्ष का वर्णन है, चीड़ के वृक्ष, नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, उपयुक्त निम्न से कोई नहीं। चीड़ के वृक्ष का यहाँ पे वर्णन है, निम्नलिखित मिट्टी में बर्तन क्यों धो रही है, मालती मिट्टी में बर्तन क्यों धो रही है, मक्खन बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, पौधा लगाने के लिए और दही जमाने के लिए, वो दही जमाने के लिए ऐसा कर रही थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। टीटी कहाँ से नीचे गिर गया, छत से, टेबल से, पलंग से, वो पलंग से गिरा भाई, कोई भी बच्चा पलंग से गिरेगा ना। कुंटुब क्या अर्थ है, कुंटुब का अर्थ क्या है, देखो एक मिनट यहाँ पर रुको, कुंटुब का अर्थ क्या है, परिवार, संसार, कटिया, कटिया और घर, परिवार, कुंटुब का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, क्लियर है। निम्न में से किन कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, उसने कहा था और रोज और तिरछी और रस्सी का टुकड़ा, रोज में इनका उल्लेख है। मालती किस कहानी की पात्र है, सिपाही की माँ, रोज, तिरछी और गौर, वो रोज कहानी की एक पात्र है। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा, तुम कुछ पढ़ी लिखती नहीं हो, लेखक ने, पति ने, भाई ने और चाचा ने, लेखक ने पूछा। ठीक है, चलो अब आता है सदानंद, हरिनंद, बत्याशय, अक्षय द्वारा लिखित हुई कहानी कौन सी है, तिरखी, रोज, उसने कहा था सम्मुख जीवन, रोज। ठीक है, ऑप्शन बी। अक्षय जी से इंटर कहाँ से किया था, अक्षय जी इंटर कहाँ से किए थे, वो पंजाब कॉलेज से किए थे, पंजाब कॉलेज से किए थे, नहीं होगा, फारसी कॉलेज से, नहीं होगा, इनमें से कोई, वो मद्रास कोचिंग कॉलेज से किए थे, ईयर से समझ नहीं आ रहा अक्षय। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती, ललिता, प्रभावती और कलावती, उनका उनका नाम क्या था, मालती था। ठीक है, चलिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करने आए थे,
पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, और इसमें कोई नहीं, वो गैंग्रीन का ऑपरेशन कराने जाते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अक्षय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, चलो चलो ठीक है। अक्षय जी, सॉरी, अक्षय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोक बिंदु, आनंद बिंदु, देश बिंदु, इनमें से कोई नहीं, आनंद बिंदु का। अक्षय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सभा में, से कोई नहीं, पत्रिका देवी में, ठीक है। सॉरी एक मिनट, देखा है पत्रिका सेवा, पत्रिका सेवा में, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे देखेंगे। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब और संतरा, वो आम लेकर आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्तेदार भाई, और इसको देखो महेश्वर जो था वो डॉक्टर के पेशे से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मालती के पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्रधानचार, अभिनेता, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। क्या बोल रहा है? तारा समतक का संपादक कौन सा है? विद्या विनाशक मित्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन और सचिनंद हरिश्चंद्र बत्यासर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। अक्षय किस बात से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद और स्वच्छतावाद, वो प्रयोगवाद से बहुत सारा मतलब कि संबंधित है। इसमें अय्यर का अक्षय का नाटक कौन है? करवन का, बकरी का, उत्तर प्रियदर्शी का, सिपाही की माँ का, इसमें से उत्तर प्रियदर्शी का है, ठीक है। गैंग्रीन इनमें से किसके संबंधित है? पशु, देश, वनस्पति और बीमारी, वो बीमारी से। बाल्टी महेश्वर की संतान का नाम क्या है? मीठी, टिट्टी, टिट्टी और टुट्टू, वो टिट्टी नाम है उसका, ठीक है, टिट्टी मटमार का जाना। नदी के द्वीप किसकी रचना है? जयप्रकाश, उदय प्रकाश, अय्यर और जलयज, मणि मधुकर, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब अक्षय की ज्ञान पुस्तक, ज्ञानपीठ पुस्तक किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नवों में कितनी बार? बराबर, अहेरी माँ, आंगन के पार द्वार, शिखर, एक जीविका, ये होगा कितनी नवों में कितनी बार, ठीक है। कौन सी पुस्तक अय्यर की है? मिट्टी की ओर, मौत, मुस्कान, हरी घास का क्षणभर और दो सदानाड़ी, हरी घास, क्षणभर, ठीक है। कौन सी पुस्तक अय्यर की नहीं है? अपने अपने, अजनबी, भद्रवीत, एक बूंद सहारा, उजली, तीर्थ जो है उसकी कोई मतलब उसके से, मतलब लेखक नहीं है, दे कैन नॉट, दे डिडंट राइट दिस वन, ओके। रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की मतलब किसने लिखी थी उसके बारे में पूछ रहा है। मधु, मालती ने, मालती ने, मालविका ने और माधवी ने, मालता ने, ठीक है। रोज कहानी के अतिथि बनकर आता है मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर होने और मालती के दूर के रिश्तेदार भाई, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। चलो 65 देख लेते हैं। रोज कहानी कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 4, 3, 2 और 11, ऑप्शन डी 11, ठीक है। कौन सी कृति अक्षय की नहीं है? पलवर, कितनी नावों की कितनी बार, सदनीरा, हरी घास पर, देखो पलवर जो है वो इसकी कृति नहीं है। कौन सी कृति अक्षय की है? रसवंती, नदी के दीप, मंगलसूत्र, कंकाल, देखो नदी का दीप जो है उसकी है, ठीक है। रोज इसमें, रोज इनमें से क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंग और आलोचना का वंशी, कहानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शक नाटक से नाटककार हैं जगदीश्वर माथुर, अक्षय, जयशंकर प्रसाद, हर कृष्णा प्रेमी, देखो इसमें से अक्षय होगा। शखर शेखर एक जीविका किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास, जीविका, ये उपन्यास है, ठीक है। चलो अक्षय की माँ का नाम क्या था? शीला देवी, वेंती देवी, राधा देवी, संग्री देवी, इसकी माता का नाम वेंती देवी था। अक्षय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध थी? रोज, ये जो रोज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही। छोरा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं अक्षय। मालती के पति किस व्यवस्था
से जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थे ना भाई, इसलिए। चलो, पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे भरना पड़ता था? उसको 11 बजे, 11 बजे, 7 था ना, 9, 12, 10, 11 बजे। लेखक ने वहाँ के पास जाकर क्या भेजने की बात कही? मिठाई, फल, जरूरी सामान और पुस्तकें। पुस्तकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का अक्षय जी ने कार्य नहीं किया, हंस में नहीं किया था? अक्षय जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किसी कृति की हिंदी अनुवाद किया था? गोरा का उन्होंने क्या किया था? हिंदी अनुवाद किया था। लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि वो कैसी छाया सी इस घर में छाई गई है, मतलब छाई हुई है? मालती की दुबला शरीर, ठीक है, दुबला, मालती का दुबला शरीर, ठीक है। इसमें जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर 5 है वो यहाँ पे एंड होता है, और ये जो क्वेश्चन था वो 79 है, और 79 में आपको कितना मिला आप बताना। अगर आपको 70 से ऊपर है, 70+ है, तो गुड है भाई, ठीक है। अगर आपको 79 में से 75 के ऊपर है तो भाई वेरी गुड, यू डन वेल, ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, थोड़ा डाउट ऑफ हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस में यहाँ पे जितना हो सका पॉसिबल उतना आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और इसके रिलेटेड चाहिए और भी सब्जेक्ट्स के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लो। अदरवाइज अपने चैनल पे जाके और सीधा प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपको बात समझ में आई? और बिहार बोर्ड में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकती है मेरे से, मैं जितना भी पॉसिबल कर सकता हूँ उतना करूँगा। और क्या होता है यार, नया नया है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है करने में, नहीं करने में, तो थोड़ा मतलब कि सपोर्ट उपोर्ट रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर सपोर्ट नहीं रहता है ना, तो थोड़ा मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन दिस वन टू ग्रो, एंड वी विल मीट अनदर वीडियो। जय हिंद।